नमस्कार सभी को, जयशंकर। बड़ा एक दुखद समाचार है रश्मीर। एक गार्ड जो बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र इलाके के रहने वाले हैं, नेशनल हाईवे के साथ एक बंद पड़े हुए स्कूल में वो गार्ड थे, और आपको बता दूं कि तरोर इलाके में वो कार्यरत थे, नाइट ड्यूटी थी उनकी। और इस समय मैं नेशनल हाईवे की एक कंपनी के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर रहस्यमय तरीके से उनका शव मिला है। मौके पर पुलिस आई है, जब तक तहकीकात नहीं करते पूरी बयान आपके समक्ष हम पूरा नहीं रखेंगे। यहाँ के जो उनके परिवार के सदस्य हैं, यहाँ पर खुद मौके पर पहुंचे, मैं बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? जी कृष्ण जी, मेरा नाम विकी है। जसवीर क्या लगता है आपको? जसवीर जी ये मेरे ताया जी का बेटा था, मेरे बड़े भाई लगते थे ये। तो ये गार्ड की ड्यूटी करते थे यहाँ पे माउंट लिटेरा स्कूल में, बीडी सिक्योरिटी में पिछले के कोई 5 महीने से। इनकी नाइट शिफ्ट थी कल रात को, मॉर्निंग में 6 बजे मतलब कि ये घर पहुंच जाते थे। तो आज सुबह से ये घर नहीं आए, फैमिली को टेंशन हुई कि कहाँ गया है जी। तो जब उन्होंने पता करना चाहा, जसवीर की वाइफ ने पता करना चाहा, उनके एक फ्रेंड थे बीडी सिक्योरिटी वाले, उनसे पता किया जी। तो हमें उसके बाद पता चलता है कि 11 बजे के करीब की वो ऐसे ऐसे मतलब उनको मारा गया है, ब्लेम लगाए गए हैं, उनकी गाड़ी तोड़ी भी गई है जी। तो लास्ट हमें फिर 2 बजे फाइनल कॉल उनकी फैमिली को मिलती है कि वो डेथ हो चुकी है उनकी, और वो बख्शीनगर में है जी। सवाल ये है कृष्ण जी कि सिक्योरिटी गार्ड की वो नौकरी करता थे माउंट लिटेरा स्कूल, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है जी। ये उनका ऑफिस है शिवालय वालों का कंस्ट्रक्शन, गाड़ी टूटी हुई यहाँ से मिल रही है, और उनका शव भी जो है वो यहाँ से बरामद हो रहा है। वो उन 6 बजे के बाद कैसे यहाँ पे आया, कैसे उसकी डेथ हुई, तो हम इसीलिए यहाँ पे देखने के लिए आए ऑन द स्पॉट। तो अभी हमको पता चल रहा है कि वो डेथ हो चुकी है, खत्म हो चुका है वो। पुलिस आई है, पुलिस वेरिफिकेशन तहकीकात कर रही है। जी जी बिल्कुल, हमारी डीएसपी साहब मैडम तहसीलदार अंदर हैं, और एसएचओ विजयपुर से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि हमने अटेम्प्ट टू मर्डर का ये केस फाइल की है, बीडी सिक्योरिटी वालों से उन्होंने लेटर ले लिया है, उन्होंने हमें श्योरिटी दी है कि हम जल्द इन्वेस्टिगेशन करके सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के कि कौन कल्पर्ट्स है, तो उसको हम आपको जरूर पूरा जो है इंसाफ दिलाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुभाष डोगरा जी। भतीजा लगता है मेरा ये जी। ठीक है, मेरे को भी पता चला, मैं भी ड्यूटी पे था जी। मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे डेथ हो गई है इसकी। तो जब आके यहाँ पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर दूर से ले आके इसको यहाँ से मारा है, जो इसका इंचार्ज है जी। जो कंपनी का जी। उसने कुछ 10 बिल्डर रखे हैं साथ, कुछ रिहाने के हैं, कुछ उसके साथ लोकल हैं। इसके ऊपर पहले भी केस चल रहे हैं, ये जो गरीब आदमी देखता है उसको मार के फेंक देता है। ये क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इसको ले आके तो पैसे खा के छोड़ देती है क्या? क्यों छोड़ती है इसको? इस आदमी को फांसी क्यों नहीं दी जाती है? बोलते हैं कि इंसाफ कर रहे हैं हम, कौन सा इंसाफ कर रहे हैं ये? मेरा ये सवाल है कि इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब तक हमें इधर से फैसला नहीं मिलता तब तक तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना डेड बॉडी उठा रहे हैं। अभी डेड बॉडी तब उठाएंगे जब इधर से हमें कुछ फैसला मिलेगा, उसके बाद रोड ब्लॉक करेंगे। LG आए, कोई भी आए, MP से बात होगी है मेरी, MP साहब आज मीटिंग में बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि जिसले फ्री होते हैं उसले बात करते हैं, और वो भी आएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे जो कार्रवाई होगी करेंगे आगे। तो सभी सर जी, मेरा पति जाए। अच्छा, कितने बच्चे ने इंदे? उन्हें 2 बच्चे हैं जी। अच्छा, कितनी उम्र है इंदी? उन्हें कोई 35-40 साल नहीं है। अच्छा, गार्ड का काम करते हैं? गार्ड का। पुलिस को लेके अपील करके सर जी, हाँ गड्डी भी उन्हें की है लगी? हाँ गड्डी भी उन्होंने दी है जी। अच्छा, क्या अपील करके सर पुलिस को? क्या अपील करते हैं जी, देखो कहाँ ड्यूटी था, कहाँ आके गाड़ी इसने खड़ी तोड़ी, कहाँ उसकी लाश मिली। पुलिस वालों को तो इंसाफ का हक मांगते हैं हम जी, इंसाफ देना चाहिए। इसी जगह पर मिला जहाँ पर देखेंगे जी। इस समय मैं बिल्कुल नेशनल हाईवे में हूँ, जमाधारा से बिल्कुल आगे थोड़ी सी पेट्रोल पंप के अपोजिट हूँ। ये सामने देखेंगे ये निशान जो बनाया हुआ है, एक गोल चक्कर आप देख रहे हैं निशान, इसी जगह पे रहस्यमय तरीके से शव मिला है रश्मीर जी का। और क्या कारण रहा जिनके वजह से उनकी ऐसी घटना में मृत्यु हुई है, पुलिस तहकीकात कर रही है। बिल्कुल सामने ही तहसीलदार आए हैं, DSP साहब आए हैं, और SHO साहब भी आए हैं, और अपना काम करते हुए तहकीकात करते हुए नजर आ रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे। यहां से मैं स्थिति आपके समक्ष दिखाने का प्रयास करूंगा पुलिस की। जी 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 जी, हुआ है उसको
ऊपर से फेंका है ये। अच्छा। यहाँ से लाश की उठा के, उसके बाद बारिश हुई है ना। अच्छा। फिर उठा के वहाँ रखा है इन्होंने। अच्छा, गिरा इनमें है सर? हाँ, ऊपर इधर गिरा हुआ है। अच्छा, ऊपर से गिरा, ऊपर से मारा उसको, फेंका नीचे। अच्छा। ताकि उसका सिर जो है ये लग हो रखा है, तो इसका मतलब है कि ये लगा उसको, तब जाके ये इधर हुआ है। ठीक है, ये पत्र ऐसे नहीं देखेंगे जी। इनका कहना है सामने ही बिल्डिंग है प्राइवेट कंपनी की, और ये सामने बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे जो है शव गिरा है, घर वालों का कहना है। उसके बाद यहाँ पर उनका शव जो है बरामद हुआ है, और फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है। तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, और अपील करेंगे पुलिस विभाग से तहकीकात करे, वेरिफिकेशन करे, और इसमें क्या निकल कर सामने आएगा वो भी आपके समक्ष हम जेके चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। ये देखिए कई निशान जो है, घर वालों का कहना है, यहाँ आए हैं यहाँ वहाँ, और ये सामने ही बिल्डिंग है, देख रहे हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर से जो है नीचे उनका इन घर वालों का जो कहना है, यहाँ से गिरे हैं वो, ये फेंका गया है। अगर जब तक पुलिस तहकीकात नहीं करेगी, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। इनका जो घर वालों का कहना है वही आपके समक्ष साझा कर रहे हैं जी। उनके दो आदमी ने माना है कि वो 6 बजे यहाँ ठीक ठाक बैठा हुआ था। अच्छा, 6 बजे यहाँ पर बैठे बैठा हुआ था। इनके दो आदमी यहाँ पर कहाँ आते थे, किसके पास आते थे? वहाँ ऊपर बैठाया हुआ था उसको। अच्छा, दो आदमियों के बयान हैं। तो उसके वो कह रहा है कि मैं बाथरूम चला गया, मेरे बाद पता नहीं क्या किया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, दो आदमी के बयान हैं। तहकीकात चल रही है। देखेंगे जी, ये सामने ही बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के नीचे जो है रहस्यमय तरीके से शव मिला है। बाजू टूटे हुए हैं, टांगे उसकी टूटी, बाजू टूटे हैं, सिर उसका फटा हुआ है। अच्छा, अब जिन्होंने मारा है उनको पकड़ना चाहिए, उनकी तलाश होनी चाहिए भाई, किसने मारा है, क्यों मारा है, किस लिए मारा है। देखेंगे जो पूरा मामला है, मैंने जेके चैनल के माध्यम से, एक गाड़ी है इनकी जो गार्ड थे, इनका रहस्यमय तरीके से शव मिला है। उनकी गाड़ी है HP38F1064, नंबर मैंने आपके समक्ष रखा है। और एक मुख्य बात यह है कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, और शीशा टूटने के बाद ऐसी अवस्था में उनका शव जो है यहाँ से मिला है। और क्या है, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है, क्या कारण रहा, बिल्कुल सामने ही देखेंगे। नेशनल हाईवे है, तुरोर से क्रॉस करके नेशनल हाईवे आप जाएंगे, जग से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट जो है, जो आप सांबा की तरफ जाते हैं, और उसके बाद एक तुरोर के पास एक स्कूल है, वहां पर एक गार्ड का काम करते थे, और उसके बाद वहां से यहां इनकी जो है किस वजह से यहां आए थे, गाड़ी यहां पर उनकी लगाई गई थी, वो खुद आए हैं कि क्या कारण है, फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गाड़ी यहां पर इनकी पाई गई है। उसके बाद घर वालों का जो कहना है कि ऊपर से नीचे गिरे हैं, और इसी जगह पे उनकी बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब तक पुलिस तहकीकात नहीं करी, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। एम्बुलेंस आई है और तहकीकात का पार्ट रहेगा। शव जो है इस तरीके से ऐसी अवस्था में उनकी मृत्यु हुई है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, आप उनके लिए ओम शांति लिखे, महादेव उनकी आत्मा को शांति दे। बड़ा एक दुखद समाचार है जिस तरीके से पूरी घटना पेश आई है। वीडियो को शेयर करें, और मैं अपील करूंगा SHO बीजेपुर तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा DSP साहब से पूरी तहकीकात करे, वेरिफिकेशन करे, और सांबा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो है इस पर वेरिफिकेशन करे, तहकीकात करे, और पुलिस विभाग बड़े अच्छे से जो है तहकीकात कर मौत का कारण का जो है पता लगा पाए, ताकि जो घर के परिवार है इन्हें पता लगे किस कारण से जो है इनकी मृत्यु हुई है। पर बड़ा ही दुखद समाचार है। रश्मीर जो है बड़ी ब्राह्मणा इलाके के लोकल थे, और एक गार्ड का काम करते थे, और आज बीती रात के बाद जो है यहाँ पर उनकी गाड़ी और शव जो है यहाँ से सुबह जो है बरामद हुआ है, घर वालों का जी कहना है। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, और ओम शांति जरूर लिखें। धन्यवाद, जय शंकर।